अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम आपके साथ एक 3 मरला का घर शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन को देखते हैं तो ये घर आपको अल हफीज गार्डन फेज 5 में मिलता है और इस सोसाइटी के ये ए ब्लॉक के अंदर मौजूद है। सोसाइटी बहुत अच्छी है, इसकी मेन एंट्रेंस आपको कैनाल रोड पे मिल जाती है और ये घर एक रजिस्ट्री इंतकाल वाला ऑप्शन है जो की एक मोस्ट सिक्योर प्रोसीजर है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। सोसाइटी में कमर्शियल मार्केट आ चुकी है, घर के बिल्कुल करीब आपको मस्जिद मिलती है। घर का जो ओनर है वो इस घर की डिमांड 1 करोड़ 18 लाख कर रहा है। अभी हम अंदर चलते हैं और जाके आपको सारा घर दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये जो आप घर देख रहे हैं ये एक बड़ा खूबसूरत सा स्पेनिश स्टाइल के अंदर 3 मरला का घर है जो कि फुली फिनिश है। इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये आपको मिलता है जी अल हफीज गार्डन फेज़ 5 के अंदर और स्टार्टिंग वाला ए ब्लॉक है। यहाँ पे ये जो रोड है उसके ऊपर पत्थर डल गया और रिसेंटली यहाँ पर रोड वगैरह डलने वाले हैं। अब यहाँ पर हम घर का छोटा सा आपको टूर दे देते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक बड़ी खूबसूरत सी टाइल मिलती है और ये आपको एक बड़ा खूबसूरत मेटल के अंदर दरवाज़ा मिलता है। यहाँ पे आपको कार पोर्च मिलता है, यहाँ पे आप बड़ी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते लेकिन छोटे साइज़ की जो गाड़ी है वो इजीली आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। ऊपर आपको एक बड़ी खूबसूरत सी फॉल सीलिंग मिल जाती है और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा एक कम्बिनेशन के साथ आपको ऊपर जाने के लिए अलहदा से रास्ता मिल जाता है और अंदर जाने के लिए अलहदा से एंट्रेंस मिल जाती है। एक मार्बल और टाइल का कम्बिनेशन आपको मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक लाइट के साथ आपको काफ़ी अच्छा सा काम मिलता है। इस साइड पे आपको एक छोटा वॉशरूम मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक सिंक मिल जाता है। काफ़ी एक अच्छा और डिकोर वाला काम किया गया है, छोटी छोटी चीज़ों पे काफ़ी मेहनत की गई है। अब हम चलते हैं जी अंदर और ये आपको यहाँ से इसकी एंट्रेंस नज़र आती है। यहाँ पे सेपरेट भी आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा कोई भी चीज़ लगा के। अक्सर फैमिलीज़ ने सेपरेट किया होता है, अगर आपने ऊपर वाला जो पोर्शन है वो रेंट पे देना है या दूसरी फैमिली में रहना है, इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं और इसको आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सामने एक रूम मिल जाता है और बाकी सारा एरिया इसका खुला है। यहाँ पे एक खूबसूरत सी टाइल का इस्तेमाल आपको मिलता है और बिल्कुल सामने आपको किचन मिलता है। किचन की तरफ अभी चलते हैं। अभी आपको इसकी रूफ दिखा देते हैं तो ऊपर आपको बहुत खूबसूरत फॉल सीलिंग मिलती है, बड़े एक स्टाइल के अंदर लाइटिंग और एक काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन बनाया गया है। यहाँ पे आपको बाहर का जो एरिया है आपको एक एल्युमिनियम की विंडो के थ्रू नज़र आता है, यहाँ पे आप इजीली एलईडी लगा सकते हैं और सामने आपको रूम मिलता है। रूम में जाने से पहले हम किचन देख लेते हैं। किचन की ये एक एंट्रेंस है, इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं यहाँ पर डोर लगा के और यहाँ पर आपको किचन मिल जाता है। किचन में आपको एक बड़ा खूबसूरत सा एग्जॉस्ट मिलता है और कपबोर्ड्स वगैरह यहाँ पे लगाए गए हैं। एक अच्छी शीट का इस्तेमाल किया गया जो कि शाइनिंग वाली शीट है और यहाँ पे आपको सिंक मिलता है और ये वेंटिलेशन के लिए सारा ओपन एरिया है। यह भी हम देखते हैं। अगेन हम टीवी लाउंज में आ चुके हैं और अब हम रूम देख लेते हैं। रूम में आप जैसे एंटर होते हैं आपको एक बड़ी खूबसूरत सी वाइट कलर की और एक पेल कलर की आपको टाइल नज़र आती है। वॉल्स के ऊपर आपको एक अच्छा पेंट नज़र आता है, जो यहाँ पे बटन्स हैं काफ़ी अच्छे बटन्स आपको मिलते हैं और एक लकड़ी का सॉलिड दरवाज़ा मिलता है। 4 आपको कपबोर्ड मिल जाते हैं लेकिन उनके साइजेस काफ़ी बड़े हैं और आपको इस तरह का मटेरियल मिलता है। एक एवरेज साइज़ की शीट यहाँ पे इस्तेमाल की गई है और ऊपर आप आते हैं तो आपको एक अच्छी फॉल सीलिंग मिलती है। यहाँ पे आपको एक बैक साइड का एरिया मिलता है जहाँ पर वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं और वेंटिलेशन के लिए एक्चुअली ये वाली जगह छोड़ी जाती है। यहाँ पर आपको वॉशरूम मिल जाता है, यहाँ पे कमोड नहीं है, सीट का इस्तेमाल मिलता है और ऊपर आपको एक अच्छी फॉल सीलिंग मिल जाती है और यहाँ पे आपको सिंक मिल जाता है। अगेन हम टीवी लाउंज के थ्रू कार पोर्च में आ चुके हैं और ये इसका ऊपर का एरिया है। यहाँ पे अगेन मार्बल और टाइल का एक कम्बिनेशन और यहाँ पे आपको एक वॉलपेपर का कम्बिनेशन मिलता है जो कि एज अ सीनरी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आपको एक अच्छी टाइल और मार्बल का अगेन स्टेयर्स पे कम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत टाइल आती है, एक चेस के स्टाइल में बनाई गई है और सेम जैसे हमने नीचे देखा था वैसे यहाँ पे आपको किचन मिल जाता है और किचन एक अच्छी फॉल सीलिंग और एग्जॉस्ट का यहाँ पे सारा सिस्टम लगा दिया गया है और एक आपको अच्छी शीट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब अगेन हम दोबारा से टीवी लाउंज में आ चुके हैं, यहाँ पर आप LED लगा सकते हैं। ये एरिया यहाँ पर अगेन हम ऊपर जा सकते हैं, राइट जाते हैं तो आपको एक छोटे साइज़ का रूम मिलता है, अगेन सेम टाइल, ऊपर पे एक बहुत खूबसूरत सी आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है और आपको सेम उसी तरह एक अच्छे बटन्स का इस्तेमाल मिलता है और यहाँ पे आपको एक एल्युमिनियम की विंडो मिल जाती है और बाहर का आपको इस तरह से यहाँ पे व्यू मिलता है। यहाँ पे आपको एक खूबसूरत सा वॉशरूम मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा आपको वैनिटी मिल जाती है और मिरर
यहाँ पे आपको एक अच्छी फॉल सीलिंग और ब्लैक कलर में आपको कमोड मिल जाता है। अगेन आप बाहर आते हैं तो ये जो एरिया है ये एक्चुअली बाहर की जो एक जगह है उसको एक्सेस करने के लिए आप इजीली यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये इसका कुछ बाहर का व्यू है और यहाँ पे आपको एक कपबोर्ड मिल जाता है, आप इजीली अपनी चीज़ें वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। अगेन हम इस जगह पे आ चुके हैं, अब यहाँ पे हम इसका दूसरा रूम देख लेते हैं जो कि इसका तीन मरला के अंदर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर दो बेड है। यहाँ पे आपको एक अच्छी फॉल सीलिंग सेम उसी तरह से बड़ी यूनिक स्टाइल के अंदर फॉल सीलिंग मिल जाती है, फॉल्स का एक अच्छा पेंट मिलता है, एक कपबोर्ड मिल जाता है और ये सारा वेंटिलेशन वाला एरिया। यहाँ पे आपको मेन एक वॉशरूम मिल जाता है, सेम उसी तरह से आपको एक अच्छी फॉल सीलिंग और एक बेसन मिल जाता है। उसके बाद हम छत की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे भी सेम आपको इसी तरह से यहाँ पे, और एक अच्छी बात देखने में ये है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, 220 है तो यहाँ पे 245 आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको जो मार्बल एंड तक मिलता है, टाइल एंड तक मिलती है, फिनिशिंग हर चीज़ की एंड तक की गई है। उसके बाद ये आपको छत मिलती है जिसके ऊपर एक बड़ा यूनिक सा पट्टियों का इस्तेमाल करा के डेकोर का काम किया गया। ये इसकी छत है जी, छत पे भी आपको एक अच्छा मार्बल और टाइल का कम्बिनेशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको कंप्लीट एंड तक ये जो तीन मरला का घर है पूरा कंप्लीट मिलता है। सोसाइटी में लुक का इस्तेमाल कर दिया गया है, आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पे इन्होंने ये कारपेटेड रोड्स वगैरह कर देने। उसके अलावा ये उसकी घर की छत है, ऊपर वाली टाइल और पत्थर का इस्तेमाल किया गया, स्पेनिश स्टाइल के अंदर काफ़ी इन्होंने काम किया है और आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे काम मिलता है। तो गाइस ये आप देख रहे थे तीन मरला का घर जो कि अल हफीज गार्डन फेज 5 में मौजूद है। अगेन बताता चलूं इसकी जो डिमांड है वो आपको 1 करोड़ 18 लाख मिलती है। ये घर डायरेक्टली आपको मेहरबान प्रॉपर्टी ग्रुप के पास मिलेगा और हमारा ऑफिस आपको गोस्ट गार्डन जो कि कनाल रोड के ऊपर है वहाँ पे मिलेगा। इस घर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या इस सोसाइटी में और घरों की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या इसके इर्द गिर्द जितने भी सोसाइटीज है उनके अंदर बहुत से घर अवेलेबल है, बहुत से प्लॉट्स अवेलेबल है, इन तमाम चीजों के बारे में या प्रॉपर्टी के बारे में किसी किस्म की कोई भी असिस्टेंस के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।